रिजल्ट टू। रिजल्ट टू क्या कह रहा है? रिजल्ट टू में एक्चुअली ये जो पॉइंट्स है तीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब डायमेंशन का कंसेप्ट हमारे पास है, क्लियर है? वी ए वेक्टर स्पेस हैविंग द डायमेंशन एन विच इज फाइनाइट। नंबर ए, ध्यान से देखना इस ए को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और बी, सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बी भी, ऑफकोर्स वी भी है ही, क्योंकि इसका भरपूर यूज करते हो आप। देखो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, वी वेक्टर स्पेस है, डायमेंशन है उसकी एन, फाइनाइट डायमेंशन है। नंबर वन, नंबर वन, एनी फाइनाइट जेनरेटिंग सेट ऑफ वी कंटेन्स एटलीस्ट एन वेक्टर। देखो जो भी वी को जनरेट कर रहा है, जिसके पास एटलीस्ट एन वेक्टर है, और इसकी डायमेंशन क्या है, एन ही है, एंड ए जेनरेटिंग सेट फॉर वी, ठीक है, एंड ए जेनरेटिंग सेट फॉर वी दैट कंटेंट एग्जैक्टली एन वेक्टर इज ए बेसिस फॉर वी। ध्यान से पढ़ो इसको, एनी फाइनाइट जेनरेटिंग सेट फॉर वी कंटेंट्स एटलीस्ट एन वेक्टर। नंबर वन, एक तो ये जो भी वी को जेनरेट करेगा, ठीक है, उसके पास एटलीस्ट एन वेक्टर तो होंगे। जैसे जैसे आपने रिप्लेसमेंट थ्योरम में किया, जैसे z जो होगा वो आपका था v, तो और ये स्पैन कर रहा था v को, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा थे। अब हमने किया l, कोई li सबसेट लिया v का, और इसमें कुछ एलिमेंट एडजॉइन किए l के एलिमेंट के साथ, तो हमारा एक सेट बना l यूनियन h। अब ये स्पैन कर रहा है, ठीक है, ये स्पैन कर रहा है b को, और मैं चाह रहा हूं कि ये एल आई भी रिमेन रहे, इसलिए एल यूनियन एच भी एल आई ही बना रहे। तो एल यूनियन एच एल आई ही बना रहे और ये इसको स्पैन भी करे, तो वो एल यूनियन एच हमारा क्या बन जाएगा, बेसिस बनेगा, ठीक है, स्पैन भी करे और ये प्लस एल आई भी हो, ये एल आई भी हो, स्पैन तो कर ही रहा है, वो एल यूनियन एच एल आई भी हो, तो ये इसको स्पैन करे। सो एंड दिस एल यूनियन एच कंटेन एग्जैक्टली एन वेक्टर। अगर इसके पास एन वेक्टर होंगे, इट हैज एन वेक्टर, देन एल यूनियन एच इज ए बेसिस फॉर वी। तो एल यूनियन एच क्या होगा, बेसिस होगा वी का, बिकॉज डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू एन गिवेन है, ये गिवन कंडीशन है, ठीक है, दिस इज गिवन कंडीशन फॉर प्रूविंग दिस स्टेटमेंट। इसके प्रूफ बुक में गिवन है, पेज नंबर 48 में आप इजीली देख सकते हो, बहुत इजी प्रूफ है, तो आप बस इसको यहाँ पे समझो ये थ्योरम क्या कहता है, और इसके एप्लीकेशन देखो क्या बोला है इसने। अगर जेनरेट कर रहा है वी को कंटेन एटलीस्ट एन वेक्टर एंड ए जेनरेटिंग सेट फॉर वी दैट कंटेन एग्जैक्टली एन वेक्टर इज ए बेसिस फॉर वी। अगर आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट समझे, कोई सेट है, कोई भी सेट है, ठीक है, बी जो कि वी को जेनरेट कर रहा है, तो इसके पास एटलीस्ट एन एलिमेंट तो होने ही चाहिए, बी के पास एटलीस्ट एन एलिमेंट तो होने ही चाहिए, ठीक है, ये फर्स्ट वाला। अगर बी के पास एग्जैक्टली एन एलिमेंट हो गए, तो देन बी इज कॉल्ड बेसिस, बी फॉर्म ए बेसिस, बी फॉर्म ए बेसिस, दिस फॉर्म ए बेसिस फॉर वी, ठीक है, तब बेसिस बना देगा, जेनरेटिंग और बेसिस। तो इस थियोरम को हम नाम दे देंगे एग्जिस्टेंस थियोरम। यहां पे एक्चुअली अगर डायमेंशन एन है, क्लियर, डायमेंशन एन अगर गिवेन है, तो देयर एग्जिस्ट ए बेसिस हुज कार्डिनैलिटी इज एन, पक्का करेगा, डायमेंशन फाइनाइट गिवेन है, तो कोई भी वेक्टर स्पेस है तो उसका बेसिस पक्का एग्जिस्ट करेगा। सो दिस इज कॉल्ड ए एग्जिस्टेंस थियोरम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए एग्जिस्टेंस थियोरम। नेक्स्ट देखो, बी, एनी एल आई सबसेट ऑफ बी दैट कंटेन्स एग्जैक्टली एन वेक्टर्स इज बेसिस फॉर बी।
तो अब बेसिस को शो करने के लिए आपको देखो क्या शो करना है, एनी एल आई सबसेट ऑफ बी दैट कंटेन्स एग्जैक्टली एन वेक्टर, व्हाट इज एन, एन इज द डायमेंशन ऑफ एन। अब आप क्या करो, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन बता दो एन ए, और सेट में देखो उसमें कहीं एन एलिमेंट है क्या, ठीक है। अगर ये एस एल आई हो गया तो एस इज बेसिस, ये एस बेसिस बन जाएगा। एल आई, केवल एल आई के थ्रू आप बेसिस बता सकते हो, प्रोवाइडेड नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इन दैट एल आई सेट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एन, ये होना ही चाहिए। अब ये तो देखो एल आई सेट के थ्रू हो रहा है, और पहला वाला देखो, अगर कोई भी सेट है, कोई भी एस जो है वी को स्पैन कर रहा है और इसकी कार्डिनेलिटी एन है विच इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, सो हियर एस इज बेसिस। सो ये ए कह रहा है, ये मेरा बी कह रहा है। ए में क्या है, अगर केवल स्पैन दिखा दे किसी सेट को जिसमें एग्जैक्टली एन एलिमेंट है, ये दूसरा वाला, एक्चुअली ये वाला सेकेंड स्टेटमेंट, तो वो बेसिस बना देगा। एग्जैक्टली डायमेंशन के इक्वल एलिमेंट है और वो स्पैन भी कर रहा है तो वो बेसिस बना देगा। यहाँ पे वी डोंट रिक्वायर्ड एल आई, अब देखो यहाँ पे एल आई की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, और यहाँ पे वी में हमने क्या किया, सेट में एन एलिमेंट थे, डायमेंशन के इक्वल था और उसको एल आई शो कर दिया, सो ये इट विल बी बेसिस। तो यहाँ पे हमें स्पैन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, डायमेंशन डायमेंशन के आने से एंड प्लस रिप्लेसमेंट थ्योरम की हेल्प से हमने ये दो कंडीशन दिखा दी। एप्लीकेशन इसका यूज आप जरूर देखना, बहुत अच्छा यूज है इनका। नंबर थर्ड, ए बी क्लियर है, नाउ सी, एवरी एल आई सबसेट ऑफ वी कैन बी एक्सटेंडेड टू ए बेसिस फॉर वी, ठीक। एक थियरम था हमारा यहाँ पे 1.1.9 था, 1.9 में क्या था, बी इज ए जेनरेटेड बाई फाइनाइट सबसेट एस था, देन सम सबसेट ऑफ एस इज बेसिस फॉर वी, तो उसका सबसेट बेसिस था, जेनरेटिंग सेट से उसका सबसेट हमने बेसिस दिखाया था। अब यहाँ पे ठीक है, अगर कोई भी एल आई सबसेट है वी का तो उसको हम एक्सटेंड कर सकते उसके बेसिस बनाने के लिए, उसको एक्सटेंड करके हम उसका बेसिस बना सकते हैं, ठीक है। एवरी एल आई सबसेट ऑफ बी कैन बी एक्सटेंडेड टू ए बेसिस फॉर बी, और इस थ्योरम को हम कहेंगे एक्सटेंड हो रहा है तो एक्सटेंशन थ्योरम, एक्सटेंशन थ्योरम, एग्जिस्टेंस थ्योरम, एक्सटेंशन थ्योरम एंड रिजल्ट वन में इनवेरियंस थ्योरम, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ऑफ कोर्स इन द डायमेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये तीनों। तो जो मैं रिजल्ट बता रहा था, ये तीन रिजल्ट आपको कॉन्सेप्ट इनका पता होना चाहिए, फिर तभी आप इसको यूज भी कर सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक। जैसे अब सी में हम कह रहे हैं, एल आई सबसेट ऑफ बी कैन बी एक्सटेंडेड टू ए बेसिस फॉर बी, एक्चुअली इसके हम देखना एप्लीकेशन भी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि अभी क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट, तो क्वेश्चन में मिलेगा इसका एप्लीकेशन कि कैसे हम इनको यूज करके इनका यूज कर सकते हैं, ठीक। एक्सटेंशन थ्योरम में क्या है, अगर कोई भी एल आई सबसेट है, ठीक है, तो सपोज मेरे पास एक एल आई सबसेट है 1,0 किसका, आर स्क्वायर का सबसेट, तो इसको मैं बेसिस बना सकता हूं। तो मैं अगर इसके साथ एडजॉइन कर दूं 0,1 को, ठीक है, एक्चुअली एक्सटेंड किया है मैंने इसको बाय एडजॉइनिंग 0,1, तो ये भी इसका रिमेन सबसेट ही रहेगा, लेकिन ये अब बेसिस बन गया। अगर यहाँ पे कोई भी एल आई सबसेट है, अगर एम्प्टी होता, एम्प्टी सेट के साथ मैं क्या एडजॉइन करता, यूनियन करके 1,0,0,1, ठीक है, तो अगेन वो आर स्क्वायर का बेसिस बना लेता। कोई भी वेक्टर स्पेस हो उसका अगर एल आई सबसेट है तो उसको हम एक्सटेंड करके उसका बेसिस बना सकते हैं, तो इसका भरपूर यूज होगा आगे, ध्यान रखना एक्सटेंशन थ्योरम का।
ऑफ कोर्स इन एग्जिस्टेंस और इन वेरियंस, इन सब का यूज होगा, आप जरा इनको ध्यान से याद रखना। ऑफ कोर्स प्रूफ आप कर लेना, एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। पेज नंबर 49।